हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है। जैसे सपोज करेंगे कि मैं मेरे रूम का जो लेंथ है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मेरा रूम जो है वो कितना लंबा है। मेरे रूम के लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उसे इंची टेप से जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड है। जैसे मैं क्या करूँगा, मेरे कमरे के अंदर दीवार के साथ साथ चलूँगा मैं स्टेप बाय स्टेप, और कितने स्टेप्स में मैं मेरे कमरे को कंप्लीट कर लेता हूँ वो स्टेप्स मैं काउंट करूँगा। अब ये जो स्टेप काउंट करने वाला मेथड है कमरे की लेंथ को पता करने का, ये हमारा थोड़ा सा इनएक्यूरेट है, क्योंकि कभी मेरा स्टेप जो है वो बड़ा रखा जाएगा, कभी मेरा स्टेप जो है वो छोटा रखा जाएगा, जिसकी वजह से हर बार थोड़ा सा स्पेस जो है वो बच जाया करेगा मेरे रूम के अंदर, और जो स्पेस बच रहा होगा मेरे रूम के अंदर वो हमेशा सेम नहीं होगा। अगर मैं स्टेप वहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े रखता हूँ तो रूम के अंदर स्पेस जो है वो कम बचेगा, और अगर मैं स्टेप जो है वो छोटे छोटे रखता हूँ तो रूम के अंदर स्पेस जो है वो ज़्यादा बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम स्टेप काउंट करने वाले मेथड से रूम की लेंथ पता करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो मिल सकती हैं। तो इसी चीज़ को मैं ये बोलूँगा कि कमरे की लेंथ को पता करने का जो मेरा मेथड है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कैलकुलेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए एक ही एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो हमारी वैल्यू होगी उनका जो एवरेज होगा वो हमारे पास एक्यूरेट आएगा। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्यूरेट वैल्यू निकालने का ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। आपके पास अगर इनडेफिनेट मेथड्स हैं उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप उस इनडेफिनेट मेथड को ही 5, 6, 10, 20 बार अप्लाई करेंगे और उस इनडेफिनेट मेथड से जो भी आपका आंसर आ रहा होगा उसका एवरेज ले लेंगे। तो वहाँ से फिर हम हमारे किसी भी कैलकुलेशन की एक्यूरेट वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो वहीं से मेरे पास दो डेफिनेशंस आ रही हैं, जो आ रही है प्रिसीशन की और एक्यूरेसी की। सबसे पहले मैं आपको एक्यूरेसी की डेफिनेशन बता रहा हूँ। हम एक्यूरेट वैल्यू किनको बोलते हैं, इफ़ एवरेज वैल्यू ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट्स इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू देन द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। अगर हमारी डिफरेंट मेजरमेंट्स की जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो करेक्ट वैल्यू के बिल्कुल क्लोज आ जाएगी तो उस मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, और उन 5 स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 10 वो आ रहे हैं 9। अब मेरे पास अलग अलग स्टूडेंट्स थे, मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो बताए आपको 6, एक स्टूडेंट के बता दिए 7, एक स्टूडेंट के 10 बता दिए, एक के 9 बता दिए और एक के और 9 बता दिए। तो मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स के ये अलग अलग जो हैं वो नंबर आ रहे हैं। मैं इन पांचों वैल्यूज़ का एवरेज लेता हूँ। एवरेज लेने के लिए आप क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। 6 + 7 = 13 + 10 = 23 + 9 = 32 + 9 = 41, और जितनी भी हमारे पास स्टूडेंट्स थे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं 41 को डिवाइड करूँगा 5 से, मेरे पास आंसर आएगा लगभग 8.2, जो कि हमारी एवरेज वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा। तो ये वाले जो मेरी मेजरमेंट्स हैं ये मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है। अगर इन मेजरमेंट्स का एवरेज जो है वो 9 के क्लोज आता तब मैं मेरी मेजरमेंट्स को क्या बोलता, एक्यूरेट बोलता। तो ये वाले जो मेरी मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो यही हमारी डेफिनेशन थी एक्यूरेट की। सेकंड हमारी डेफिनेशन आ जाती है प्रिसीशन की। प्रिसीशन के अंदर हमने क्या बोलना है, देखो, इफ़ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड हैंस क्लोज टू द एवरेज वैल्यू देन द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज। प्रिसाइज का एग्जाम्पल बताने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर से मैंने क्लास जो है वो कंसीडर कर लिया, उस क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट कंसीडर कर लिए और एवरेज स्कोर जो है वो मैंने 9 फिक्स कर दिया।
अब मेरे जो पांच स्टूडेंट हैं उन पांच स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास नंबर आ रही है 9, 9, 10, 8, 9। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के एवरेज नंबर आ रहे हैं। अगर मैं इन पांचों वैल्यूज़ का एवरेज निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 + 9 = 18, 18 + 10 = 28, 28 + 8 = 36, 36 + 9 = 45। और जब मैं इसका एवरेज लूँगा तो मेरे पास वो एवरेज क्या आएगा, 9 आएगा। तो ऐसी मेजरमेंट वैल्यूज़ जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हों, और जब उन क्लोज वैल्यूज़ का हम एवरेज लेंगे तो वो जो एवरेज आंसर है वो हमारा एक्चुअल मेजरमेंट। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए ना मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ है। जैसे सपोज करो मेरा जो रूम है, मेरे रूम की जो एक्चुअल लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ कितनी है, 10.5 मीटर है। मैंने ना चार अलग अलग बंदों को बुलाया और उन चार अलग अलग बंदों को मैंने ये बोला कि आप जो है वो मेरे रूम की मेज़रमेंट करेंगे, और हर एक बंदे को पाँच पाँच मेज़रमेंट लेके मुझे रिपोर्ट करना है। मतलब वो एक ही हमारे रूम की लेंथ को पाँच बार कैलकुलेट करेगा एक पर्सन, तो यानी कि चार पर्सन जो है वो 20 बार करेंगे, मेरे पास 20 ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। और उसके बाद हर एक पर्सन की जो ऑब्जर्वेशन होगी वो कैसी है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, वो मुझे देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो पर्सन ए है, पर्सन ए की मेजरमेंट्स देखो कैसी आ रही हैं, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 और 10.7। मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। जो हमारी मेजरमेंट की वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, इसकी वजह से ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी प्रिसाइज हैं। और जब मैंने इन सभी प्रिसाइज वैल्यूज़ का एवरेज लिया तो वो एवरेज जो है वो कितना आया, 10.5, जो मेरे रूम की एक्चुअल लेंथ थी। मतलब हमारी मेजरमेंट्स का जो एवरेज है वो एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी क्लोज है, यानी कि उतना ही है। तो इसलिए हमारी ये वैल्यूज़ जो हैं वो एक्यूरेट भी हैं। तो इससे मुझे ये पता लगा कि पर्सन ए ने जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद जो मेज़रमेंट्स की, वो मेज़रमेंट्स हमारी प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। मेज़रमेंट बाय ए इज़ बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अब बी की मेज़रमेंट देखते हैं। बी की मेज़रमेंट है 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। सभी मेजरमेंट्स के अंदर आप देख सकते हो 0.1 का गैप आ रहा है, इसलिए सभी मेजरमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, इसलिए सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो प्रिसाइज हैं। लेकिन आप एवरेज देखो, एवरेज कितना आ रहा है, 10.2, और हमारा जो एवरेज है वो आना चाहिए था 10.5। इसका मतलब वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिसाइज तो हैं लेकिन एवरेज वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू की इक्वल नहीं आ रही, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं है। तो यही मैंने यहाँ पे बताया, मेजरमेंट पे भी हैज़ पुअर एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, बट गुड प्रिसीजन, प्रिसीजन अच्छा था क्योंकि जो मेजरमेंट वैल्यूज़ थी वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थी। फिर हम सी की ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सी के अंदर जो रिज़ल्ट उसने दिए वो क्या दिए, 10.1, 10.3, 10.5, 10.7 और 10.9। जो मेज़रमेंट की वैल्यूज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मेज़रमेंट की वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है। इसका मतलब सी ने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं उनका प्रिसीजन अच्छा नहीं है। लेकिन आप इनकी वैल्यूज़ का एवरेज देखोगे तो एवरेज हमारे पास क्या आ रहा है, 10.5 आ रहा है, यानी कि इन वैल्यूज़ की एक्यूरेसी अच्छी है। तो मेजरमेंट बाय सी हैज़ पुअर प्रिसीजन बट गुड एक्यूरेसी। साथ में मैंने लिखा हुआ है बाय चांस। ये बाय चांस मैंने इसलिए लिखा, 99% केसेस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जिनके अंदर प्रिसीजन जो होता है वो वैल्यूज़ का या मेजरमेंट्स का पुअर होता है, वहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी भी पुअर ही आती है। लेकिन ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे प्रिसीजन पुअर होने के बावजूद भी जो हमारी एक्यूरेसी है वो अच्छी आ गई है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, ये बाय चांस का केस है। अदरवाइज जब भी हमारी प्रिसीजन पुअर आती है मेजरमेंट्स की, तब उनकी एक्यूरेसी भी पुअर आएगी ही आएगी। वही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। देखो, पहली मेजरमेंट थी 10 की, दूसरी मेजरमेंट है 10.7, तीसरी मेजरमेंट है 10.9, फोर्थ है 11.1 और उसके बाद 11.3। और इन सभी मेजरमेंट्स का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10.8 आ रहा है। अब एवरेज जो है वो 10.5 आना चाहिए, 10.8 आ रहा है, इसका मतलब हमारी ये वैल्यूज़ एक्यूरेट नहीं है। और जो हमारी मेजरमेंट की वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी लार्ज जो है वो डिफरेंसेस पे प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये वाली जो मेजरमेंट्स हैं वो हमारी प्रिसाइज भी नहीं है। इसलिए मेजरमेंट बाय डी हैज़ पुअर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो यही हमारी जो थी टॉपिक, ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करती है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का। मेजरमेंट के अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटी प्रेजेंट्स होती हैं, तो हम हमारी मेजरमेंट्स को हमेशा प्रिसाइज और एक्यूरेट जो है वो रखना चाहते हैं।
हमारी मेजरमेंट जितनी प्रिसाइज और एक्यूरेट होंगी हमें उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक था प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ गया है वो टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं, इनका कंसेप्ट कहाँ से आया है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, आप कभी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो या कन्फेक्शनरी स्टोर पे जाते हो तो वहाँ पे आपको जनरली इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं। तो अगर आप उसके अंदर कभी ध्यान से देखोगे, आप शॉपकीपर को बोलोगे कि हमें 150 ग्राम जो है वो चीनी चाहिए, तो वो जब भी चीनी का वेट कर रहा होगा तो आप ऑब्ज़र्व करोगे वहाँ पे वेट आपको हमेशा इवन मास के अंदर दिखेगा। मतलब जब वो लिफाफे के अंदर चीनी डाल रहा होगा तो आपको उसका वेट दिखेगा 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 56 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम 96 ग्राम 88 ग्राम 112 ग्राम। आपको चीनी का वेट कभी भी ऑड नंबर में नहीं दिखेगा। तो यहाँ से मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स शॉप के अंदर रखी होती हैं उनकी जो मैक्सिमम एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, प्लस माइनस 2 ग्राम की होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है वो हमें एक्चुअल रिज़ल्ट जो है, एक्चुअल वेट जो है सब्सटेंस का, वो नहीं बता रही होती। जितना भी सब्सटेंस का वेट हमारी मशीन या हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल जो है वो बता रहा होता है उसमें प्लस माइनस 2 ग्राम का एरर हो सकता है। जैसे मैंने अभी भी बोला कि आप 150 ग्राम चीनी लेने गए थे, शॉपकीपर ने आपको इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल के ऊपर पूरा 150 ग्राम जो है वो वेट करके दिया। अब इस 150 ग्राम के अंदर जो है वो प्लस माइनस 2 का एरर है, मतलब आपका जो शुगर का टोटल वेट है वो 152 ग्राम भी हो सकता है और 148 ग्राम भी हो सकता है। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको शो किया उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप ये देख पा रहे हो कि हमारी जो 2 डिजिट्स हैं वो तो फिक्स रहती हैं लेकिन जो लास्ट डिजिट है हमारी उसके अंदर चेंज आ सकता है। उसमें मैं 2 इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ और 2 डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो कोई भी नंबर जब हम पढ़ते हैं विद एक्यूरेसी तो उस नंबर के अंदर जो लास्ट डिजिट हमारी होती है वो होती है अनसर्टेन, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसकी वैल्यू के अंदर एक्यूरेसी के लिए एरर जो है वो थोड़ा बहुत आ सकता है। लेकिन जो हमारी पहली 2 डिजिट्स होती हैं वो हमारी सर्टेन होती हैं, उनकी वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते होते। तो एक जो हमारा नंबर होता है उसके अंदर जनरली सर्टेन और अनसर्टेन नंबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर जब आप किसी भी नंबर के अंदर सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताते हो तो वही हमारी होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यही से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आएगी, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट। हमें एक नंबर के सारे डिजिट जो हैं वो इंक्लूड करने हैं और उसके अंदर लास्ट डिजिट भी इंक्लूड करने हैं हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मान लो मेरे पास ये एक नंबर है 14.5678, इसके अंदर जो लास्ट डिजिट होती है वो हमारी अनसर्टेन होती है, बाकी की जो डिजिट्स होती हैं वो हमारी सर्टेन होती हैं। तो 5 डिजिट मेरी सर्टेन है और 1 डिजिट मेरी अनसर्टेन है, दोनों का टोटल सम आ गया 6, तो मेरे पास यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन होती है। हालांकि जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है बच्चे, ये एग्ज़ाम में एज ए थ्योरी नहीं आता होता कि आप सोचोगे कि आपको पेपर में मिल जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन सुनाओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के या कैलकुलेट करने के या डिटरमाइन करने के रूल सुनाओ, तो ऐसा नहीं होता। इनके जो रूल्स हैं मैं आपको भी समझाऊंगा, वो रूल्स आपको समझने हैं और माइंड के अंदर एज इट इज़ याद रखने हैं। हमारे पास जो ये रूल हैं ये हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करने होते हैं। हमारे पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि रूल्स को याद करके रूल सुना दो, रूल कौन से हैं कौन से नहीं हैं। आपको रूल जो हैं वो याद रखने हैं सिर्फ माइंड के अंदर, आपको इनकी वर्डिंग याद नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे रूल का आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास रूल्स कौन से हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करना चाहते हैं, हमारे गिवन नंबर के अंदर कितनी आ रही है कितनी नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक रूल्स हैं। अब पहला रूल हमारे पास क्या है, देखो,
all non-zero digits as well as zeros between the non-zero digits are significant. उसने बोला कि कोई भी हमारी non-zero digit है, मतलब 1 से लेके 9 तक, वो सारी की सारी digits हमारी significant होती हैं. Zero भी हमारी significant होगी अगर zero दो non-zero numbers के बीच में आ रही होगी. For example, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक number आ गया है 5005. तो 5005 के अंदर ये दोनों हमारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट होगी ही होंगी. ज़ीरोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रही हैं, इसलिए ये वाली ज़ीरोज़ भी हमारी सिग्निफिकेंट हैं. तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट, इसके अंदर टोटल चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो यही हमारे पास हमारा पहला रूल है. मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ, देखो 576 के अंदर सारी की सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं. 2.05 के अंदर ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 0.48 में देखो दो तो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ज़ीरो जो है ना वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आ रहा, तो मैंने इसको काउंट नहीं किया. यहाँ पे हमारे पास दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो ये पहला रूल था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने का. नेक्स्ट रूल हमारे पास आ जाता है, ज़ीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट. जो भी जीरोज हमारी नॉन ज़ीरो नंबर के लेफ्ट में प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते. जैसे ये हमारे नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, ये वाली जीरोज नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में आ रही हैं, तो इन्हें हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे. यहाँ पर मैं पाँच सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोलूँगा, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलूँगा, क्योंकि जो ये ज़ीरो हैं ये नॉन ज़ीरो से पहले आ रही हैं और उन ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं करते. सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास दो टाइप की ज़ीरोज़ हैं. एक तो वो ज़ीरोज जो सिग्निफिकेंट जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रही हैं, यानी कि ये दोनों, और एक वो ज़ीरोज़ जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद में आ रही हैं, मतलब ये दोनों. तो मैंने आपको इस रूल में बोला कि हमें पहले वाली काउंट नहीं करनी, तो मैं इन दोनों को काउंट नहीं करूँगा, इन दोनों को काउंट करूँगा, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में नहीं राइट में है. तो इस केस में हमारे पास टोटल फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो आ रही हैं. नेक्स्ट रूल है फिर हमारा, इफ़ ए नंबर एंड्स इन ज़ीरो बट दीज जीरोज़ आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. अब ये वाला जो रूल है हमारा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रूल है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ. उसने बोला कि हमें वो ज़ीरोज़ कंसीडर करनी है जो हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट में आ रही होंगी, लेकिन डेसिमल से पहले आ रही होंगी. डेसिमल से पहले का मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद वालों की बात नहीं कर रहा मैं, उनको काउंट करते हैं या नहीं करते हैं वो बाद की बात है. अभी मैं इन ज़ीरोज़ की बात कर रहा हूँ जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट में आ रही हैं लेकिन डेसिमल से पहले आ रही हैं. तो ये वाली जो हमारी डिजिट्स होती हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेरे पास ये नंबर है 15700, इस नंबर को एक्सप्रेस करने के मेरे पास बहुत तरीके हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस तरीके से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इस तरीके से, और इस तरीके से, इस तरीके से, और लास्ट है ये तरीका. अब अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो मेरे पास आ रही हैं फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको कंसीडर करूंगा तो आ रही हैं चार सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हुए ये ध्यान रखना, जो हमारी पावर वाली टर्म होती है उसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करना होता. जो हमारा नॉर्मल नंबर होता है फ्रैक्शनल या होल, उसी को हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए काउंट करना होता है. अब इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं थ्री, इसके अंदर आ रही हैं थ्री, और इसके अंदर भी आ रही हैं थ्री. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो क्या है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आंसर जो है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, और फाइव भी आ सकता है. तो इसलिए मैंने बोला कि जो हमारी ज़ीरोज नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में प्रेजेंट होती हैं लेकिन डेसिमल से पहले होती हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते.
तो हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं। इस केस में आपको याद रखना है, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा आंसर्स की पॉसिबिलिटी आ रही है एक ही टाइप के नंबर के लिए, तो आपको कौन सा आंसर सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब 15,700 के अंदर मैं क्या आंसर दूंगा, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन मुझे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर देना है, तो मैं ये बोलूँगा कि 15,700 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। यहीं पर मैंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है कुछ इस तरीके का, जैसे 10,500 है, तो 10,500 को मैं क्या करूँगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूँगा। अब जब भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते होते हैं, तो आपको मैंने बताया था डेसिमल जो होता है वो एक डिजिट के बाद लगता होता है, तो इसको जब मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ही आंसर दिया। वैसे पॉसिबिलिटी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी थी, लेकिन हमें आंसर जो देना होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए देना होता है। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट था। नेक्स्ट मैंने इन 3 पॉइंट्स के अंदर जो बात की हुई है वो किसकी बात की हुई है, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला नंबर है। अब मान लो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला नंबर आ गया। सबसे पहले मेरे पास कोई भी एक सिंपल नंबर था, वो सिंपल नंबर जो है वो बहुत ही छोटा हो सकता है और बहुत ही बड़ा हो सकता है, तो उन छोटे या बड़े नंबर्स को थोड़ा सा दिखने में या पढ़ने में स्टडी करने में ईजी बनाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो प्रैक्टिकली इस नंबर को बोलना या पढ़ना या लिखना या सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो इसको फिर मैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमारी होती है वो बड़े से बड़े नंबर को एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देती है। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास कोई छोटा सा नंबर है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻²⁻²⁷ kg। अब देखो 10⁻²⁻²⁷, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली लिखने की कोशिश करता तो मेरे पास कुछ ये केस आता, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 91, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन का वेट आता। तो प्रैक्टिकली ऐसी वैल्यूज लिखना इम्पॉसिबल है ना, तो हम क्या करते होते हैं, ऐसी बड़ी या छोटी वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है, जो भी आपके पास आपका डिजिट हो, एक डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है और उसके बाद बाकी जितने भी हमारे पास जीरोज होंगे वो 10 की पावर में हम इंक्रीज कर देते होते हैं। अगर मैं मेरे डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा तो पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर राइट में शिफ्ट करूँगा तो पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। तो ये हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। अब मान लो मेरे पास कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला नंबर आ गया, जैसे मान लो यही नंबर आ गया, और मैंने इस नंबर को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आपको जब भी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो आप क्या करते हो, पावर्स जो होती हैं 10 की वो ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई के लिए बता रहा हूँ, जब आप दो एक्सपोनेंशियल वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो जो हमारी 10 की पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाएंगी। जैसे मैं -27 में 8 ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -19, और जो ये हमारे आगे वाले नंबर्स होते हैं सिंपल नंबर, इनकी मल्टीप्लाई हम करते हैं, 9.1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 27.3। तो हमारा आंसर आ गया 27.3 × 10⁻²⁻¹. इसको भी आप चेंज करेंगे क्योंकि मैंने बताया डेसिमल जो है वो एक नंबर के बाद आना चाहिए, यहाँ पे दो नंबर्स के बाद आ रहा है, तो मेरे पास आएगा 2.73 × 10⁻²। अब देखो जो डेसिमल है मैंने वो लेफ्ट में शिफ्ट किया, और जब भी लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो पावर इंक्रीज़ होती है। अब इसकी पावर इंक्रीज़ होगी तो -18 हो जाएगी, क्योंकि माइनस की टर्म्स चल रही हैं, -18 जो होता है वो -19 से बड़ा होता है, तो मैं बड़ी वैल्यू की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमारे इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, 2.73 × 10⁻¹⁸. सिमिलरली
अगर मुझे दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स को डिवाइड करना होता तो डिवाइड करने के केस में आपको क्या याद रखना है, जो भी हमारी 10 की पावर्स होती हैं वो सबट्रैक्ट हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में ऐड हो रही थी अब क्या हो जाएंगी, वो सबट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो ये हमारा एक्सपोनेंशियल से पहले वाला सिंपल पार्ट था ये सिंपली डिवाइड हो जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 3, और जब -27 में से 8 पावर माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -35। तो इन दोनों को डिवाइड करके जो मेरे पास आंसर आया वो क्या आया, 3 × 10⁻⁵। तो ये हमारा रूल होता है एक्सपोनेंशियल के अंदर मल्टीप्लाई या डिविजन पढ़ने के लिए। जब आप एक्सपोनेंशियल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो तो 10 की पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है और उसके पहले वाले जो नंबर होते हैं वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर आप एक्सपोनेंशियल नंबर्स को डिवाइड करते हो जो 10 की पावर होती है वो माइनस हो जाती हैं और जो हमारे सिंपल नंबर्स होते हैं वो सिंपली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हमारे एक्सपोनेंशियल की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न थी। अब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं करना चाहता, अब मैं इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास आ गया है 9 × 10⁻⁰ प्लस 3.5 × 10⁸। तो अब इसमें देखो अपन को क्या करना है, जब भी हमें एक्सपोनेंशियल वाले नंबर जो हैं वो ऐड करने होते हैं तो उस केस में आप याद रखना इनकी एडिशन तभी पॉसिबल होगी जब दोनों की 10 की पावर जो होगी वो सेम आ रही होगी। जैसे इस केस में पावर आ रही है मेरी 10⁻⁰ आ रही है और यहाँ पे पावर आ रही है 10⁸, तो दोनों की जो पावर है 10 और 8 है अलग अलग है, वो सेम नहीं है। और अगर ये वैल्यूज़ मेरी सेम नहीं है तो फिर मैं इनको ऐड नहीं कर सकता और ना ही मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या याद रखना है, अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो जो 10 की पावर होती है हमारी वो बिल्कुल क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे तो नहीं आ रही तो इसको मैं सेम बना लेता हूँ। यहाँ पे दो पावर फालतू आ रही है तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, इसको एज इट इज रहने दूंगा। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 900। तो मैंने 9 × 10⁻⁰ को इसमें कन्वर्ट कर लिया और जब मैंने 900 में कन्वर्ट किया तो मैंने ये देखा अब दोनों की पावर जो है वो सेम है। दोनों की पावर सेम है तो वो कॉमन आ जाएगी और जो हमारे पहले वाले नंबर होते हैं वो सिंपली ऐड हो जाएंगे। ऐड के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल अप्लाई होता है तो पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। ये सब बातें मैंने इन्हीं पॉइंट्स के अंदर डिस्कस की हुई हैं, तो ये पॉइंट्स आप स्टडी भी कर सकते हो और इसी के रिगार्डिंग फिर आपको ये वाले 4 क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेट करने हैं, सॉल्व करने हैं। इनके आंसर्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आंसर्स आप मुझे बताएंगे सॉल्व करके, ग्रुप में सेंड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किसने सही किए और किसने गलत। आपको ग्रुप के अंदर सिर्फ आंसर सेंड नहीं करने हैं, सॉल्व आपने कैसे किया उसकी पिक्चर खींच के भी भेजोगे ताकि जो भी आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगी वो मैं आपको बता सकूं। तो ये हमारे एक्सपोनेंशियल से रिगार्डिंग कुछ एक बातें थी और मैंने आपको कुछ एक रूल भी बताए सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के, मैं जनरली उसको रैप अप कर रहा हूँ फटाफट, आप सुनना एक बार। जो भी हमारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं और जीरोस अगर हमारी नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रही होंगी तो भी वो सिग्निफिकेंट होंगी। सेकेंड रूल हमारा ये था कि अगर हमारी जीरोस नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लेफ्ट में प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। थर्ड रूल हमारा ये था कि अगर हमारी जीरोस जो हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में प्रेजेंट है तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं, उन्हें हम काउंट करेंगे। डेसिमल के बाद वाली जितनी भी हमारी जीरोज़ होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं, वो काउंट होती हैं। फोर्थ रूल हमारा ये था कि मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है जिसमें जीरोस जो हैं वो आ रही हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट में लेकिन डेसिमल से पहले आ रही हैं, तो अगर हमारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो होती हैं वो डेसिमल से पहले आ जाएंगी तो उन्हें हमें काउंट नहीं करना होता, अगर डेसिमल के बाद आएंगी तभी हम उन्हें काउंट करते होते हैं। तो ये हमारे पास हमारे सिंपल रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट फिर हमारे पास टॉपिक आ जाता है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर्स इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस। अभी जो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रूल पढ़े थे वो तो जनरली हम नंबर को देख के ये बता रहे थे कि उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट और कितनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंट नहीं होंगी।
मतलब किसी भी नंबर के अंदर करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को पता करने के लिए हमने वो रूल पढ़े थे। अभी मैं यहाँ पे क्या पढ़ रहा हूँ, हमारे पास कुछ डेसिमल वाले नंबर्स होंगे, उनकी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, और उस केस में हमारे पास आंसर जो है वो किस तरीके से हमें निकालना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें निकालना है, वो सब बातें हमें यहाँ पे बतानी है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है। उसने बोला कि जब भी हम हमारे अलग अलग नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस केस में हमें जो आंसर देना है वो उस नंबर के रिगार्डिंग देना है जिस नंबर में डेसिमल के बाद डिजिट सबसे कम होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। पहले नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। मैंने ऐड किया, ऐड करने में मेरा आंसर आया 13.063। अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट जो हैं वो सबसे कम आ रहे हैं, 1। तो हमने जो है इस आंसर को भी क्या करना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। वैसे तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन एडिशन का रूल और सब्ट्रैक्शन का रूल हमारे पास क्या होता है, जितने भी नंबर हमने ऐड किए उनके अंदर सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस जो है वो जिस नंबर के आ रहे होंगे उसी के अंदर हमें आंसर जो है वो रिपोर्ट करना होता है। अब जैसे आंसर तो हमारा 13.063 आया, लेकिन मैं आंसर रिपोर्ट कितना करूंगा, 13.1। तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर डेसिमल के बाद 1 डिजिट दिखानी ज़रूरी है, तो हमने इसका आंसर 13.0 क्यों नहीं रिपोर्ट किया, 13.1 क्यों रिपोर्ट किया, क्योंकि मैंने मेरे आंसर को जो है वो राउंड ऑफ कर दिया। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इसके रूल क्या होते हैं, वो मैं अभी आपको आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें सॉल्व करके बताऊंगा। सेकंड रूल हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए या डिवीजन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए देखो क्या रूल है, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर किस में रिपोर्ट करना है, आंसर हमें उस डिजिट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है जिस डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही होंगी। और जब भी मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में आ रही हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स को वहाँ पर इंक्लूड नहीं करना, मुझे सिर्फ डेसिमल वाले नंबर्स को इंक्लूड करना है। इसका एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा। पहले आप देखो, मेरे पास एक डिजिट है 4.327 और दूसरी डिजिट है 2.8। पहली डिजिट में मेरे पास आ रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स और दूसरी डिजिट में मेरे पास आ रहे हैं 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। दोनों की मल्टीप्लाई मैंने की, मेरे पास आंसर आया 12.1156। अब यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी डिजिट में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो वो नीचे वाली है। नीचे वाली के अंदर दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मुझे जो ये आंसर है वो दो ही डिजिट में रिपोर्ट करना है। दो डिजिट मेरी यहाँ पे कंप्लीट होगी तो मैंने आंसर कितना रिपोर्ट किया, 12 आंसर रिपोर्ट किया। तो ये हमारे पास हमारा रूल है। इसको बेटर समझाने के लिए एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे सपोज करो मैंने मल्टीप्लाई करनी है 42.967 × 0.02435 × 0.34 × 4। अब देखो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं 5, इसके अंदर आ रही हैं 4, क्योंकि नॉन जीरो से लेफ्ट वाली जो जीरोस होती हैं वो मैं काउंट ही नहीं करनी होती। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं 2 और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आ रही हैं 1, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमें देखने ही नहीं होते। तो हमारे पास एक है 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाला, एक है 4 वाला और एक है 2 वाला। तो हम आंसर जो है वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो मैंने इनकी मल्टीप्लाई की, इनकी मल्टीप्लाई की, फिर जो भी दोनों का आंसर आया उसको मैंने जनरली डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने में मेरा आंसर कितना आया, 0.7692988। अब इस आंसर को मैंने देना है लीस्ट प्रिसाइज टर्म के साथ, जो है मेरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली। तो यहाँ पे जो मुझे आंसर है वो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरा कन्वर्ट करके आया 0.77। अब फिर से बच्चे बोलेंगे कि सर 0.76 क्यों नहीं दिया, तो यहाँ पे भी मैंने मेरे आंसर को राउंड ऑफ कर दिया, जिसका रूल मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर किसी और बच्चे ने बोला कि सर एक प्रॉब्लम है, हमें आंसर जब 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालना है तो हम इनको 5-5 सिग्निफिकेंट फिगर्स को, यहाँ पे 4-4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्यों यूज़ कर रही हैं। तो इसका एक आसान सा मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन चेक करनी है। इक्वेशन चेक करने के बाद आप उसमें लीस्ट प्रिसाइज टर्म ढूंढ लोगे, जो कि ये आ रही है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली,
इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा आंसर जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। अब आपने इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करना है, आपने जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर आना चाहिए उससे एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर वाले टर्म्स को ले लेना है। जैसे यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, जितनी भी मेरी यहाँ पे टर्म्स हैं इन सबको दो से एक बढ़ा के यानी कि तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये देखो, ये चीज़ मैंने आपको नीचे करके दिखाई हुई है, 42.967 को मैंने थ्री डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया 43.0। वैसे ही हमारे पास जो ये वाला नंबर था फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उसको भी थ्री में कन्वर्ट कर लिया, और जो हमारा टू सिग्निफिकेंट वाला नंबर्स था वो भी मैंने थ्री में कन्वर्ट कर लिया। तो ये इसके कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का तरीका है। सबसे पहले आप ये पता कर लो कि आपकी लीस्ट प्रिसाइज टर्म जो है वो कितने नंबर्स की है, उससे एक नंबर बढ़ा के बाकी सारी डिजिट्स को आप ले लोगे। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई थोड़ा ईजी हो जाएगा। ये हमारा आंसर आया, आंसर हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना था, तो इस आंसर को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, और देख सकते हो ऊपर वाले की जैसा बिल्कुल सेम आंसर आया, 0.77 ही ऊपर वाले का आंसर था और 0.77 ही नीचे वाले का आंसर था। तो ये हमारे पास हमारा तरीका होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट चीज़ जो है बताने वाली रह गई, वो है हमारी राउंड ऑफ के रूल। मैंने यहाँ पे 0.76 को 0.77 में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि मैंने मेरे डिजिट्स को राउंड ऑफ कर दिया। तो एक्चुअल में राउंड ऑफ करने का क्राइटेरिया क्या होता है वो आप देखोगे, अभी मैं आपको ये चीज़ बड़े सिंपल से तरीके से जो है पहले वो समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसमें थोड़े से टिपिकल केस जो है वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखो, मैंने 4.73 को 2.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। आप ट्राई करना, जितनी भी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, आप बाय हैंड करो। कैलकुलेटर्स का या मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर्स का यूज़ आप नहीं करोगे, क्योंकि पेपर के अंदर प्लस वन और प्लस टू में आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो जितनी कैलकुलेशन आप बाय हैंड कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपके सामने बाय हैंड, आपको मोटिवेशन देने के लिए। वन से सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारे नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे, फिर टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 4 8, 1 कैरी है तो ये 9 हो जाएगा। तो 3 13 9 और 9, डेसिमल आएगा टोटल 3 प्लेसेस के बाद, तो मेरे पास आ गया है 9.993, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसके अंदर है मेरे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसके अंदर मेरे पास है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लीकेशन के अंदर मुझे लीस्ट प्रिसाइज टर्म के अंदर आंसर रिपोर्ट करने हैं, मतलब मुझे ये आंसर को किसने सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये मेरे पास मेरा आंसर आया था, इसको मैंने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो दो के अंदर कन्वर्ट करना है। अगली डिजिट जो है मैं यहां पे लिखूंगा, बाकी सारी डिजिट्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। दो डिजिट्स के अंदर मुझे आंसर देना है, थर्ड डिजिट को मैं यहां पे चेक करूंगा। अब ये जो थर्ड डिजिट है मेरी, ये आ रही है 5 से लेस। अगर हमारी लीस्ट प्रिसाइज टर्म से नेक्स्ट डिजिट जो होती है वो 5 से कम आती है, तो इसको हम एज इट इज नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9.9 राउंड ऑफ करके। जिस भी लीस्ट प्रिसाइज टर्म की फॉर्म में हमें आंसर निकालना है उससे नेक्स्ट नंबर हमें चेक करना है। अगर हमारा लीस्ट प्रिसाइज टर्म से नेक्स्ट नंबर जो है वो लेस देन 5 है, तो उसको भी नेग्लेक्ट कर दो और उसके पीछे वाले सभी को नेग्लेक्ट कर दो, तो हमारा आंसर जो है वो बचेगा 9.9। लेकिन सपोज करो यहां पे मेरे पास आंसर आ रहा होता कुछ ये, मुझे आंसर निकालना है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में और उससे अगली डिजिट मुझे यहां पे लिखनी पड़ेगी, तो यहां पे देखो मेरे पास क्या होगा, 7 जो हमारे पास हमारा नंबर है, 7 नंबर हमारा है ग्रेटर देन 5। अगर हमारी लीस्ट प्रिसाइज टर्म से अगला जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 आ रहा होता है, तो आपको आपकी जो सेकंड लास्ट टर्म है उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। मतलब मैं 9 में 1 ऐड करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
10 हो जाएगा, 1 कैरी आएगी तो ये भी यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। राउंड ऑफ का पैटर्न आपको समझ में आया? अगर हमारी लीस्ट प्रिसाइज टर्म जो है उससे नेक्स्ट डिजिट 5 से कम है तो हम उस डिजिट को नेगलेक्ट कर देते हैं, और अगर हमारी जो डिजिट है लास्ट डिजिट वो 5 से ज़्यादा है तो उसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। अगर हमारी लास्ट डिजिट 5 होती तो क्या करते? इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 एग्जांपल लेने पड़ेंगे। मुझे जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 है। अगर 5 से कम होती तो मैं नेगलेक्ट कर देता, अगर 5 से ज़्यादा होती तो मैं इसमें 1 ऐड कर देता। 5 पे हम क्या करते हैं, 5 आने पे जो हमारी पिछली टर्म होती है वो मैं चेंज कर दूंगा, मतलब उसमें 1 ऐड कर दूंगा अगर मेरी इससे पहली जो डिजिट है वो ओड होगी, जो कि आ रही है 9.95 से 5 से जो पहले डिजिट है वो ओड है तो मुझे इसके अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा, मैं आंसर रिपोर्ट करूँगा 10। लेकिन अगर 5 से पहले वाली जो डिजिट है वो इवन है तो उस केस में हम क्या करते हैं, 5 को नेगलेक्ट कर देते हैं, मैं आंसर क्या रिपोर्ट करूँगा 9.8। तो ये हमारा रूल होता है राउंडिंग ऑफ के लिए। इसको मैं एक क्वेश्चन पे अप्लाई कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस पे मैं आपके सॉल्व करने के लिए जो है वो यहाँ पे रख दूंगा, मैंने इतने सारे क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं तो आप इनको सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स मुझे बताएंगे, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो वो भी बताएंगे, फिर मैं आपको सॉल्व करके उसका आंसर भेजूंगा। आपने मुझे ये आंसर्स जो हैं वो सारे के सारे ग्रुप के अंदर सेंड करने हैं। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरे पास मेरा क्वेश्चन है 48.38250, ये मेरे पास मेरी डिजिट है और इस डिजिट को मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखो 4 फिगर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, उससे नेक्स्ट डिजिट मुझे लिखनी पड़ेगी, जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से कम है, 5 से कम है तो ये एज इट इज नेगलेक्ट हो जाएगी, तो राउंड ऑफ करके हमारा आंसर आ गया 48.38, सिंपल एज दैट। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है, समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट देखो, जैसे मुझे सॉल्व करना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए 3.24 × 0.08666 डिवाइडेड बाय 5.006। तो सबसे पहले देखो मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि लीस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सी है। इसके पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर और इसके पास भी हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लीस्ट प्रिसाइज टर्म जो है वो 3 वाली आ रही है, तो मुझे जो आंसर है वो कितने टर्म्स में निकालना पड़ेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही निकालना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा क्या आंसर नहीं आएगा। 8666324 मल्टीप्लाई मैं इसको कर रहा हूँ, 6 4 = 24 कैरी गई 2, 6 4 = 24 26 26 और यहाँ पे आ जाएगा 34, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 कैरी 3, 1 कैरी 3, 1 कैरी और 17, और फिर उसके नीचे हमारे पास आ जाएगा 6 8 9 1 कैरी 9 1 कैरी और यहाँ पे 25। तो 4 8 7 5 और 3 8 और 9 7, 4 और 7 11 और 20, 3 और 5 8 और 2, डेसिमल आएगा 5 और 2 7 प्लेसेस के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास आ गया 0.28077784 डिवाइडेड बाय 5.006। तो ये मेरे पास मेरा जो है वो डिविजिबल पार्ट आ गया। तो इसी डिविजिबल पार्ट को जो है मैं फर्दर वो सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम सा बचाने के लिए मैं इसको फटाफट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप जो है वो ट्राई करेंगे कि कैलकुलेटर पे ना करें। तो 0.28077784 डिवाइडेड बाय 5.006, तो मेरे पास जो है डिवाइड करने पे वो आंसर आ गया 0.05608।
8 37395, इतना बड़ा आंसर आ गया। चलो खैर, हमें इतना बड़ा आंसर जो है वो देना नहीं है, हमें पता है कि जो हमारी लीस्ट प्रिसाइज टर्म थी वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स की थी, तो मुझे इस आंसर को थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में ही कन्वर्ट करना है। तो देखो, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही होंगी 0.0560, क्योंकि ये वाली तो काउंट नहीं होंगी, तो ये मेरी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उससे अगला नंबर भी मुझे लिखना है जो है 8। अब ये जो नंबर है ये क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो मैं मेरी सेकंड लास्ट डिजिट के अंदर 1 जो है वो ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ। ओके, ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट था। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिट कन्वर्जेंस को और लॉज ऑफ कंजर्वेशन या लॉज ऑफ केमिस्ट्री को। थैंक यू।